हाय, दिस इज मनीषा सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आई हूँ आप सभी के बीच एक बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ, जो कि डायरेक्टली निकल के आ रही है आपको एयरफोर्स की तरफ से एक्स एंड वाई ग्रुप की रिक्रूटमेंट 2023 के लिए। सो फ्रेंड्स, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल एंड फीमेल दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। सबसे खास बात यह है फ्रेंड्स कि बहुत सारे लोग ना इसका फॉर्म नहीं भर पाते थे कि अरे यार, ये तो परमानेंट जॉब नहीं है, अग्निवीर के तहत वैकेंसी है तो 4 इयर्स ही सर्व करना पड़ेगा। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है फ्रेंड्स। इसमें जो आपका 25% परमानेंट सीट थी ना, उसको बढ़ा दिया गया है। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल में बताने वाली हूँ कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहना चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, एग्जाम की डेट क्या रहेगी। सो अगर आप भी इस जबरदस्त जॉब रिक्रूटमेंट को लेकर अगर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हो ना, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पे जो टोटल पोस्ट आपकी रहने वाली है, 3500+ सीट्स के लिए आपकी ये वैकेंसी आउट हो चुकी है। अप्लाई करने का जो डेट रहेगा फ्रेंड्स, आपका स्टार्टिंग डेट 27 जुलाई 2023 रहने वाला है एंड लास्ट डेट टू अप्लाई आपका 17th ऑफ अगस्त 2023 रहेगा। सो आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। जैसे ही आपका ये फॉर्म स्टार्ट होता है, आप जितना जल्दी हो सके फॉर्म को अप्लाई कर देना। फॉर्म की फी जो है फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑल कैटेगरी कैंडिडेट से 250 रुपीज यहाँ पे सभी कैंडिडेट से लिया जाएगा। एंड यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट थिंग है, ध्यान देने वाली चीज है कि यहाँ पे मैरिटल स्टेटस भी पूछा जाता है। मतलब अगर आप अनमैरिड हो, मेल एंड फीमेल दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट्स, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज जो मैरिड पर्सन है उनके लिए ये वैकेंसी नहीं है। एज लिमिट की बात करूं फ्रेंड्स, तो आपका मिनिमम एज 17.5 ईयर्स है एंड मैक्सिमम एज आपको 21 ईयर्स रहने वाला है। यहाँ पे जो है ये क्लियरली बता दिया गया कि जिन भी कैंडिडेट का बर्थ 27 जून 2003 to 27 दिसंबर 2006 है, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपका भी डेट ऑफ बर्थ इस डेट के अंदर आता है, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अब बारी आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पे दो तरह की पोस्ट है, तो दो तरह की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी रखी गई है। सबसे पहले बता दूं आपको, ग्रुप एक्स के जो कैंडिडेट्स रहेंगे जिनका साइंस स्ट्रीम है, उनका फ्रेंड्स यहाँ पे 10+2 होना चाहिए। उसमें मैथ, फिजिक्स एंड इंग्लिश होना चाहिए और आपका ओवरऑल परसेंटेज 10+2 का 50% होना चाहिए एंड आपको इंग्लिश में फ्रेंड्स 50% मार्क्स होना चाहिए। अब बारी आती है ग्रुप वाई के कैंडिडेट्स के लिए, जो कि अदर देन साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे हैं, उनके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहने वाला है, उनको फ्रेंड्स 10+2 में मिनिमम 50% मार्क, अगर एग्रीगेटेड भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। बट यहाँ पे वही पॉइंट सेम रहेगा कि इंग्लिश में 50% मार्क्स आपका होना चाहिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट टू रिमेम्बर आपका यहाँ पे रहने वाला है कि एग्जाम डेट भी साथ ही साथ अनाउंस कर दी गई कि आपका 13 अक्टूबर 2023 को ये पेपर कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो आपके पास जितना भी समय है फ्रेंड्स, अच्छे से प्रिपरेशन करो। अगर तैयारी पहले से कर रहे हो तो उसकी स्पीड को इनक्रीज करो, ताकि आप एक बार में ही इस जॉब को क्वालिफाई कर पाओ। अब मैं बता दूं आपको कि इसके लिए सिलेक्शन की प्रोसेस क्या रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, आपका 5 मेजर स्टेज पे डिपेंडेबल रहने वाला है। सबसे फर्स्ट आपका रिटन एग्जाम होता है, देन आपका CASB टेस्ट होता है, मतलब सेंट्रल एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट कराया जाता है। देन आपका PET एंड PMT टेस्ट होता है। PET यानी कि फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट एंड आपका PMT यानी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। उसके बाद होती है आपका अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 एंड 2 होता है। देन फ्रेंड्स आपका लास्टली मेडिकल होता है। उसके बाद आपका जो है मेरिट लिस्ट में नाम आता है, तब जाके आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर मिल पाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, सिलेक्शन की प्रोसेस तो आपको बता दी है, तो अब बारी आती है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की, एग्जाम की पैटर्न क्या होने वाली है, किस तरह से आपको तैयारी करना है, कितने सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो वो भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ।
सबसे पहले फ्रेंड्स आपको एयरमैन ग्रुप एक्स जो कि साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे हैं उनके लिए बता दूं कि 70 क्वेश्चन 70 मार्क्स के आपका 60 मिनट का पेपर होने वाला है। मतलब पर क्वेश्चन आपको 1 मार्क मिलेगा और यहाँ पे ना सारे जो भी एग्जाम होगा इसका तीनों ग्रुप्स के लिए आपको निगेटिव जरूर देखिएगा कि 0.25 का निगेटिव मार्किंग रहने वाला है। तो जो ग्रुप एक्स वाले हैं उनका जो सब्जेक्ट है फ्रेंड्स इंग्लिश के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए, फिजिक्स के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए। मींस कि ओवरऑल आपका 70 क्वेश्चन 70 मार्क्स का 60 मिनट का आपका ये पेपर रहने वाला है। अब बारी आती है एयरमैन ग्रुप वाई जो कि आपका जो अदर स्ट्रीम वाले हैं अदर देन साइंस स्ट्रीम उनके लिए फ्रेंड्स इंग्लिश का आपको 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए रहेगा, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का रहेगा। तो आपका ओवरऑल 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए एंड आपका 45 मिनट्स का ही ये पेपर होने वाला है। उसके बाद फ्रेंड्स जो एग्जाम पैटर्न है मैं बताने वाली हूँ, जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं ना एक्स एंड वाई दोनों के लिए भरेंगे तो उन दोनों को कंबाइन करके जो साइंस एंड अदर देन साइंस का है तो दोनों का जो एग्जाम पैटर्न है वो इस तरह से 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए 85 मिनट्स का आपका पेपर देखने को मिलेगा, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए, फिजिक्स के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन 25 मिनट्स के लिए एंड आपका रीजनिंग प्लस जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए। तो ओवरऑल इनका 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए और 85 मिनट्स का पेपर होगा। और फ्रेंड्स तीनों ही जो आपको मैंने बताया उसमें निगेटिव मार्किंग है तो इसको ध्यान में रखते हुए ही आप इस पेपर को देंगे। सो मैंने आपको एग्जाम की पैटर्न तो बता दी, अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम फिजिकल का क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, तो चलो मैं आपको वो भी क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहले हम लोग हाइट देखेंगे तो यहाँ पे 152.5 सेंटीमीटर की हाइट है मेल एंड फीमेल दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट रहेगी। चेस्ट जो होता है वो सिर्फ मेल कैंडिडेट्स का मेजर किया जाता है तो आपका जो भी चेस्ट है मिनिमम आप उससे अगर एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर तक कर सकते हो तो आप इस जॉब के लिए इलिजिबल रहने वाले हो। अब बारी आती है पीईटी यानी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट की, तो आपका जो है फ्रेंड्स वो मेल कैंडिडेट्स की रनिंग होती है 1.6 किलोमीटर्स की 6.5 मिनट्स में कंप्लीट करना होता है। आपको फीमेल्स के लिए ना 1.6 किलोमीटर की ही रनिंग होती है बट उनको ना 6 मिनट में ये कंप्लीट कर लेना होता है। उसके बाद आपका पुशअप्स होता है मेल कैंडिडेट्स के लिए 10 और फीमेल्स के लिए भी 10 पुशअप्स ही होते हैं। देन आपका सीटअप्स होता है मेल के लिए 10 एंड फीमेल्स के लिए 15 होता है। स्क्वैट्स की जो होती है वो सिर्फ मेल कैंडिडेट्स का टेस्ट होता है, वो आपको 20 स्क्वैट्स का यहाँ पे टेस्ट होगा। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने आपको क्लियरली बता दिया है कि आपका जो है एग्जाम पैटर्न क्या होगा, फिजिकल क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो अब आपको बता दूं कि अगर आप इस जॉब को ज्वाइन करते हो तो आपका जो इनिशियल इनहैंड सैलरी है वो क्या रहने वाला है। चूंकि अग्निवीर के तहत ये वैकेंसी आई है तो आपको चारों साल में अलग अलग सैलरी देखने को मिलेगी। तो आपका फर्स्ट ईयर 30,000 रहेगा, सेकेंड ईयर 33,000 रहेगा, थर्ड ईयर आपका 36,500 रहेगा एंड फोर्थ ईयर आपका 40,000 रहेगा। इसके बाद फ्रेंड्स जैसा कि पहले आप जानते हो कि 25% जो कैंडिडेट है उनको जो है परमानेंट कर लिया जाता है, अदरवाइज आप लोगों के पास बहुत सारी जो है स्ट्रीम होती है कि अलग अलग जॉब में आप लोगों को जो है रिजर्वेशन मिल जाएगा। इसके साथ ही फ्रेंड्स आपको यहाँ पे ना एनुअल लीव भी मिलेगा, आपको पूरे साल में 1 मंथ का लीव मिलता है। इसके अलावा सीक लीव, मेडिकल लीव भी आपको दिया जाता है, प्लस आपको LIC का भी बेनिफिट सरकार की तरफ से दिया जाता है। और इसके बाद आपको अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट भी मिलेगा, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड्स। तो आई होप कि मैंने आपको जो डिटेल बताए हैं एयरफोर्स रिक्रूटमेंट एक्स एंड वाई ग्रुप 2023 के रिगार्डिंग आप लोग इसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे, और अगर इसे समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताना, मैं आपके क्वेरीज को वहीं पर सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। अदरवाइज फ्रेंड्स अगर आप और भी ज़्यादा मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो तो मुझे फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो। तो सबका लिंक जो है फ्रेंड्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, आप वहाँ से जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। एंड अगर मेरी वीडियो आप सभी को अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल को भी साथ ही साथ ऑल पे सेट कर देना ताकि मेरी सारी न्यू वीडियो सबसे पहले आप सभी तक आए। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ आपसे फिर से किसी जबरदस्त जॉब अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।